सिंहासनी बाबू राठौड़ शिरोमणि सेवादास जी महाराज, रामराव जी महाराज, गुरु नानक देव जी, रूप सिंह जी महाराज, लक्ष्मण बापू जी, बसंत राव नाईक जी, धनावत जी, हमारे रणजीत नाईक जी, और आज जिनकी पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि, हमारे श्रद्धेय मुंडे जी, इनको याद करता हूं। और आज बहुत शानदार प्रोग्राम आप सभी के वजह से हुआ है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दूर दराज से, जो बाहर से, बाहरी राज्य से लोग आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज का कार्यक्रम तो जो था, 6 MLA को हमने बुलाया था, इसमें 8, इसमें प्रभुजीत चौहान, इन्होंने हमारी लाज रख लिया। धन्यवाद, सबसे बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर उमेश यादव है, परमेश्वर नायक और भीमा नायक के कांग्रेस से, इनका नाम, तीनों का नाम चल रहा है मंत्री के लिए। एक बात क्यों नहीं आया, ये इसलिए नहीं आया। और बाकी जो आपके देवानंद जी चौहान, इनका भी नाम चल रहा है मंत्री के लिए, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो 3 बीजेपी के हैं, उनकी मीटिंग लगी थी, उसमें इनकी भी मीटिंग थी, मैंने इनको बोला भाई प्रभु जी और कहीं वे जा रहे मार में थोड़ा विनती कर पाड़ी आ रही सर, तो तू पहले से बड़ा नेता हो गया भाई, तो मैं को वा देख अब तू तब तो मैं लाज रखा लो तू तुम्हार लाज रखा, तो प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी स्टोरी मैं बता दू, एक जब भाषण के लिए खड़ा होता था तो यू करता था, इसको कपड़े पहनने का सिखाया, इसको बोलने का सिखाया, इसको मेजबानी दिलाई, और पहली बार 28,000 से छूट के आया बंदा, बहुत मेहनत की है, मेरा उसमें कुछ नहीं है, न गोपीनाथ मुंडे का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, लेकिन मेहनत उसकी है। ये मेहनत मैंने देखा, मैं कर्नाटक के रामाल आप लोग थोड़ा काम बोल रहे थे, वार्षिक लोग का आधे लोग कर्नाटक के, ये मिलते थी। इस बहाने मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जो बड़ा किया है वो कर्नाटक में किया है। मेरी हर एक सभा, मैं आजाद मैदान में लाखों लोग आता था, उसमें 10% भी महाराष्ट्र के नहीं थे, 90% जो थे वो कर्नाटक से आते थे। और इसलिए मुझे उन्होंने बताया, रामराव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, गोपीनाथ मुंडे का आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है, और इसलिए मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे समाज का, आप हर एक का, कि यहाँ तक मुझे आपने पहुंचा है। और जिस दिन मैं 2008 की बात है, शायद किसी ने अपने वक्तव्य में कहा, 8 MLA को टिकट दिलाया था और 7 बार, मतलब प्रभु जी तो थे, दूसरे 7 को तो पता ही नहीं था मैंने कैसे टिकट दिलाया। मुझे याद है बंगलोर में जाकर 15 दिन मैं बैठा था और RSS में घूम गया था, पता नहीं RSS जो सर्वे हुआ था, मैंने एक ही कहा कि आप सिर्फ टिकट देकर देखो, क्योंकि जीतने की जो क्षमता है बंजारा में बहुत ज्यादा है। आज भी बताओ कितने उम्मीदवार जीते आपने बीजेपी की? 5, 8 में से 4, 50% जीत के आए। कांग्रेस में भी 13 में किया है, तो ये मतलब क्या है कि मैंने ये बात उनको समझाई थी कि ऐसा ऐसा होगा तो आप टिकट दे दो, जिताने का काम हमारा बंजार समाज करेगा। उन्होंने टिकट दिया और आज मैं
हमारे बीजेपी के लोग आज भी उम्मीद करते हैं हमसे। आज भी हम जब देश में कांग्रेस में तो है मानो मत मानो, कांग्रेस में आप जाके दिल्ली में पूछ लो सोनिया जी गांधी को, राहुल गांधी को कि बंजारा का नेता तुम्हारे कांग्रेस में कौन है, तो बता देंगे हरिभाव राठौर। ये इतना आपने मुझे दिला दिया, इसलिए अब मुझे मेरे बारे में कोई लोग सोचते हैं गलत, मैं क्या करने आ रहा हूं, मैं लाखों लोग जमा करके किसको बताऊं जो मुझे लाखों लोग जमा करने थे कर लिया, मैंने वो काम हासिल कर लिया है, मुझे बंजारा का नेता का सिक्का लक्ष्य है, इसलिए मैं गलत काम अब नहीं करूंगा, पहले भी नहीं किया आज भी नहीं। इसलिए बहुत सारी बातें कहनी थी लेकिन अब उतना टाइम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो लोगों के मन में शंका है उसका निरसन करना, उसका क्लैरिफिकेशन देना, ये मेरा धर्म है। देखिए 20 साल पहले मैंने जो आंदोलन किया था, 20 साल पहले मेरे पास भाषण निकालो, मैंने एक ही भाषण किया था कि देश में हमें सर्व जरूर चाहिए तीसरी सूची, और आप शायद आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि तीसरी सूची बन रही है। मैं मेरे मिशन में कामयाब हो गया हूं, रेन के आयोग के बाद ईश्वर आयोग और अब जस्टिस रोहिणी आयोग वही काम कर रहा है जो 20 साल पहले मैंने सपना देखा। मतलब जो नाई साहब ने आपको आरक्षण दिया है, जो हमारे सिपाही जी बता रहे थे कि आप चिंता सिर्फ रिजर्वेशन किसको है, कर्नाटक आंध्र और हम विजयगंज में इसलिए रिजर्वेशन है, मध्य प्रदेश में क्या है पूछो, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई नौकरी में पूछो सागर देशवा को, उसकी चिंता कौन करेगा, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सर्विस में नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई इंजीनियर बना। इसलिए मेरा दावा है जो मैं कर रहा हूं जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो लोग बोलेंगे हाँ हमारे लिए वसंतराव नाईक ये दूसरा पैदा हुआ है। और अब समाज कैसा है, देखो मैं जब बातें करता हूं लोगों से, अरे भाई ऐसे चार रोज से तुम कहीं तो मेरे मालूम सबको नहीं, आपको मालूम है कि नहीं कि रोहिणी आयोग चल रहा है, इसे यह होने वाला है, इससे आरक्षण मिलने वाला अलग, महाराष्ट्र में जो मिला वैसे मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान को तो मिलेगा, लेकिन हम लोगों को केंद्र में वही आरक्षण मिलेगा जिससे हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, जिससे हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे वहां, और जिससे हमारे बच्चे इनकम टैक्स सेल्स टैक्स LIC BIC पोस्ट ऑफिस रेलवे में जॉब में लगेंगे। जब मैं बोलता हूं फिर भी आनाकानी करते हैं और उत्तर क्या देते हैं, क्योंकि मेरा मित्र पे परसों मिला वो क्या बोला मालूम है भैया, ये तारे में केरी इंटरेस्ट चाहिए, ये मैं केरी इंटरेस्ट चाहिए, मतलब इसमें आप जो बोल रहे हो ना तीसरी सूची हो जाएगी फिर नाई साहब जैसे आरक्षण मिल जाएगा, इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट इसमें शेड्यूल ट्राइब चाहिए, इसमें इंटरेस्ट तो फिर शेड्यूल ट्राइब तो मिलता ही नहीं है, मिलेगा भी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, मैं बार बार बता दिया हूं, इंदिरा गांधी ने 3 बार बिल लाया था, ये पास नहीं हो सकता, बिल संसद में सांसद बैठे हैं जो शेड्यूल ट्राइब के, वो बिल पास नहीं होने देते, इसलिए मैंने वे आउट निकाला और मैंने जो मिशन चलाया उससे केवल बंजारों का आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल बंजारों नहीं इस देश के
दो ढाई सौ कम्युनिटी अगर स्टेट वाइज अगर गिना जाए तो, और देश में ऐसे ऐसे नाई खाती वाली रोहान सोना सुधा धोबी तेली मारी कोई ये गोवारी सबको आरक्षण मिल रहा है मेरे वजह से। और जब ये मिलेगा, जब इसका नतीजा आएगा, मैं रहूं न रहूं, लेकिन जब हमारे बच्चे आए आईपीएस बनेंगे तो वो जरूर बोलेंगे कि हम हरिभाव राठौर की वजह से जरूर। आप मानो या मत मानो, लेकिन ये होने वाला है। और इसमें मैंने मेहनत तो ली है, लेकिन मेरे साथ महाराष्ट्र चलो हमारे वोट पत्थर उड़ाओ ये मूर्ति तो है वो राम वो व्हाइट दाढ़ी वाला था ये ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जो 22 साल कंटिन्यू 22 साल में मैंने 22 मोर्चा तो 5 जनवरी को मोर्चा तो रैली आजाद मैदान में होती है हमारे रामलू नाई 3-4 बार तो आप भी उपस्थित थे। आपने ये भी माना कि मैं बंजारा क्रांति दल का पिता हूँ। और ऐसे ऐसे लोग जो हमारे बीच में महिलाएं बैठी है हमारे भाई ऐसे मैं नाम जो अनगणित लोग ये लोग सत्य थे हर मीटिंग है ये तो 22 तो मोर्चा इधर हो गए। वक्तव्य का स्वागत होना चाहिए हमारे बीच श्रीमान हरिभाव राठौड़।